नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं मंगल कथा ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी, और आज फिर वही मंगल वाला जोश लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, हाजिर हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है मंगल के विषय में जानकारी। अब जब इस विषय में डूबा तो मुझे लगा कि सूर्य से लेकर राहु तक ये कथा चल सकती है। तो अब हर ग्रह के विषय में एक खास जानकारी लेकर के आप तक आए हैं मंगल कथा पार्ट टू। वैसे इसके बाद हम एक ही पार्ट में 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन क्योंकि आप दो पार्ट में देखिए, मेरे दो पार्ट में करने से कई बार एक कार्यक्रम आपको दिख जाता है, दूसरा कार्यक्रम मिस हो जाता है। एक जगह रहेगा तो आप उसको आराम से सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, पॉज लेकर दोबारा देख सकते हैं। तो आपके लिए सहूलियत देंगे एक ही पार्ट में। मंगल फिलहाल दो पार्ट में है, बाकी हर कथा हम ले आएंगे। तो मंगल के विषय में पहले पार्ट में आपने जाना कि कैसे आप मंगल के विषय में कुछ गहराई से विचार कर सकते हैं, कुछ गहरी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर आपकी बहन, बेटी, पत्नी, गर्लफ्रेंड, किसी को कोई सुहदा परेशान करे और आपकी भुजाओं में फड़कन आए, यही है मंगल। अगर किसी गरीब मजबूर पर कोई इल्ज़ाम कर रहा, अत्याचार कर रहा, जुल्म कर रहा है, आप आगे आ गए, यही है मंगल। कोई आपकी ऐतिहासिक धरोहर, सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति, ऐतिहासिक संपत्ति पर नुकसान पहुंचा रहा है और आप बिल्कुल भुजाओं को फड़कने के लिए आप बिल्कुल लालायित हो जाते हैं कि हमारी भुजाएं फड़क उठें और हम भिड़ जाएं, यही है मंगल। आज मंगल कथा के कुछ और पार्ट्स बहुत गहराई से हम आपको बताएंगे, जो कभी आपने विचार नहीं किया होगा। एक और मंगल का हमने पार्ट कल बताया था, शायद तीसरा या चौथा पार्ट था, चौथी कथा थी। हर पंक्ति में कुछ इतिहास है कि जमीन जायदाद के लिए अगर आप भाई और बहन आपस में टकराने लग जाते हैं ये मंगल नहीं, आप त्याग दे देते हैं वो मंगल है। क्रम आगे बढ़ता है। यात्रा के दौरान कभी भी बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में यह होता है जब आपके आसपास इर्द गिर्द कोई व्यक्ति अकस्मात दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन आपका सगा वाला नहीं है, वो एक व्यक्ति है, इंसान है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं। और आपके निगाह में वो आ जाता है, आप तत्क्षण रुक जाते हैं, स्वयं के द्वारा यदि संभव है तो अकेले, अन्यथा सड़क पर ही किसी से, किसी न किसी तरह से मदद लेके उसको नजदीक के अस्पताल तक पहुंचाते हैं, यही है मंगल। मित्रों, मंगल कथा आप सुन रहे हैं, मंगलवार को अगर आप इस कथा को सुनते हैं, मंगल के इस बखान को सुनते हैं, हमारे द्वारा किए गए मंगल के इस शोध को सुनते हैं, तो आपकी कुंडली का हर ग्रह मजबूत होता है। आपकी कुंडली का हर ग्रह मजबूत होता है। छोटे मोटे ग्रह नहीं, हर ग्रह। मंगल तो आपका अतुलनीय बैलेंस होगा, अतुलनीय बैलेंस होगा मंगल।
आपके अंदर एक विलक्षण प्रभाव आता है, विलक्षण प्रभाव। और मैं बताऊं, ये जो मैंने मंगल कथा का ये पांचवा छठा जो भी हो, पहले पार्ट के बाद जो इस सेकंड पार्ट में पहला हमने जो बताया अभी, कि आपके अंदर का भाव जगे, आप एक मरते हुए व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाते हैं जो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पति है या किसी की पत्नी, कोई भी हो स्त्री औरत, उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो उस पर आश्रित हैं या जिनके जिनका वो सहारा है, आप उस सहारे को जीवित करते हैं, आप द्रवित हो उठते हैं। तो इससे अच्छा मंगल का कोई प्रभाव नहीं। तो बोलो मंगल देव ग्रह की जय। अभी दिल्ली प्रदेश में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी फरिश्ते नाम से कैंपेन चला रहे हैं, जो कि वाकई काबिले तारीफ है और अपने आप में महाविलक्षण है। यकीन मानिए, एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि मैं देखा हूं दुर्घटना अचानक से हुआ है आसपास में, रुका हूं लेकिन देर तक नहीं रुका, और मुझे लगा कि बाद में आत्मग्लानि मेरे अंदर का इंसान मुझे कहा कि मैं कुछ और कर सकता था, आत्मग्लानि भी हुई है बाद में। लेकिन जब से ये कैंपेन मैंने देखा है श्री केजरीवाल जी का, तो एक संकल्प हुआ मन में, और उस चीज़ को जब मैं, मेरा चूँकि काम ही ज्योतिष का है, तो उसको कनेक्ट कर सकता हूँ मैं बहुत आसानी से कि वाकई, और ऐसे ही होता है, इसको सोचना चाहिए, ये विचार किया जा सकता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप मंगल कथा को इसके साथ कनेक्ट करें। मंगल दोष भी आपकी कुंडली का इससे खत्म होगा, यह भी याद रखिएगा, आपकी कुंडली का मंगल दोष इससे समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त होता है। और मंगल कथा का अंतिम पार्ट सातवां, सात सात विषय लेकर आएंगे निचोड़ के साथ, क्या है मंगल, अब यहां पर थोड़ा सा स्वांतः सुखाए लेते हैं। और यह सबसे बड़ा सारगर्भित और मंगल का अंतिम पड़ाव है, यकीन मानिए आप उछल पड़ेंगे इसको सुनकर, आप अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार के विरुद्ध अगर खड़े होते हैं और आत्मरक्षार्थ आप शस्त्र भी उठाते हैं, तो यही है मंगल, यही है मंगल। ये कतई ना सोचिएगा कि सह लेना, गलत को सही मान लेना महानता है, कायरता है, कायरता है। आईना दिखाइए, ये नितांत अनिवार्य है। तो अपने ऊपर होने वाले जुर्म अत्याचार को जबरदस्ती मत सहें, उसके विरुद्ध आवाज उठाएं, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो, किसी न किसी रूप में। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली है कि आप किसी न किसी रूप में अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो शुभ मंगल के लिए आपके साथ खड़े होंगे। तो परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पे बनती रहे, आप सदैव शुभ सोचें, अच्छे से रहें, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम बताएंगे सूर्य चंद्रमा और फिर बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, हर ग्रह की एक प्यारी सी कथा
इसी तरह से जैसे मंगल कथा आपने सुना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। श्री कृष्णा श्री राधे।